अज्ज आपां सितंबर 2016 दा पेपर सोल्व करन जा रहे हैं, जिस दे विच आपां मैथमेटिकल पोर्शन सोल्व करांगे, जिस दे विच क्वेश्चन नंबर 91 आ जी अपने लवे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ ट्रू, इन्हां विचों किहड़ा रिलेशनशिप ट्रू आ। देखो इहदे विच आपां नूं इक फिगर दित्ती है और फिगर दे विच देखना अपने कि किहड़ी चीज़ ट्रू होगी। इन्हां विचों फोर जिहड़ियां आपां नूं ऑप्शन दित्तियां होईयां ने, इन्हां विचों देखना पऊगा किहड़ी ट्रू आ। देखो ये है एक नंबर सिस्टम के उत्ते, नंबर सिस्टम के उत्ते आपां अलग तो वीडियो बना भी चुके हैं, ठीक है जी। तो उस आपने कराया है कि नेचुरल नंबर सब तो पहला आने, उस तो बाद अपने लवे होल नंबर आते हैं, उस तो बाद अपने लवे इंटीजर आते हैं जी, उस तो बाद अपने लवे रेशनल नंबर आते हैं। जिद सीरीज पई होगी वो अपना की होगी ऑप्शन ट्रू होगी। तो देख लो कि पई है, देखो ऑप्शन नंबर सी के पई है अपने लवे। सब तो पहला नेचुरल नंबर आने, नेचुरल नंबर तो बाद नेचुरल नंबर कि सबसैट हों जी होल नंबर, होल नंबर कि सबसैट हों इंटीजर का, और इंटीजर कि सबसैट हों जी रेशनल नंबर का सबसैट हों। इस अपने सबसैट के आप जो वीडियो बनाई हुई है जी, वो सबसैट के बारे भी दसिया गया। तो प्लीज़ पहला जाके वो वीडियो देख लियो, फिर यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आजूगा जी। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 92 तो लेकर 93 जोड़े दो ही क्वेश्चन ने इस उत्ते ही डिपेंड ने। देखो Five friends are going for a picnic. The table below show how many sandwich and juice bottles each friend brought to share. ठीक है ना, उन्होंने कुछ जूस दे ले जी बोटल ले जी और कुछ सैंडविच ले जी, जिस दे विच फाइव फ्रेंड्स ने अपन दिते कि वो पिकनिक ते गए ने जी, जिस दे विच चार उन्होंने सैंडविच नर्मल तरह ने ले जी, उस तो बाद और थ्री बोटल्स लिया, इसने सिक्स आ पूरी अपन काउंटिंग दी गई है। क्वेश्चन नंबर दे दें, क्वेश्चन नंबर 92 देख दें आप। क्वेश्चन नंबर 92 की कहता जी, हाउ मैनी सैंडविच विल ईच फ्रेंड गेट इफ द सैंडविच आर शेयर इक्वली। जो सैंडविच इक्वली शेयर किए हैं तो किन्ने किन्ने सैंडविच आएंगे हरेक फ्रेंड्स को। देखो पहले टोटल सैंडविच दे लो किन्ने ने जी, टोटल सैंडविच किन्ने, देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, अपने 25 ने, और टोटल किन्ने फ्रेंड्स ने जी 5 फ्रेंड्स ने। तो ईच फ्रेंड किन्ने खालू किन्ने आउणगे जी, ईच फ्रेंड नू अपने 25 अपॉन 5 आउणगे जी। देखो ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जूगी जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93 भी इसके उत्ते ही डिपेंड है जी। 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਨਾ ਹੈਜ਼ ਬਰਾਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੂਸ ਬੋਟਲਸ। ਸਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਟਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੋਟਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਸਨਾ ਵਿਲ ਲੂਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਫ ਜੂਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇਕੁਅਲੀ, ਜੇ ਜੂਸ ਇਕੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਬੋਟਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬੋਟਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 7 ਔਰ 3 10, 10 ਔਰ 3 13, 13 ਔਰ 6 अपने 19 और 19 और 9 28 आ गए जी। और अपने किन्ने लूज कर रही है, किन्ने हो जो इक्वली आप डिवाइड करिए ईच फ्रेंड कि जी 28/5, ठीक है जी। हूँ किन्निया लूज कर गई, अपने हूँ यह देखना कि किन्ने लूज करूगी जी। तो वह टोटल किन्निया लेके आई सी जी, 9 लेके आई सी टोटल, वो 9 लेके आई थी। तो लूज़ किन्निया कर दोगी, देखो 9 दे विच्चों आपां की करांगे, 9 माइनस 28/5 आ जाऊगा अपने लवे, ठीक है जी। इस तो बाद इसका एलसीएम ले लो जी, 9 5 = 45 माइनस 28/5 जी, तो किन्ना आ जाऊगा अपने लिए 17/5। तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी जी। ये अपने लिए 93 करे जी, ये अपने 92 करे जी। नैक्सट देखो 94 क्वेश्चन, मिस्टर त्यागी इज़ ए योगा इंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, योगा करवाउंदा है त्यागी साहब, ठीक है ना। ही वॉन्ट्स टू हिज 600 स्टूडेंट्स, वो 600 स्टूडेंट ने टू सिट इन सच ए मैनर, वो इस तरह बैठन दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम दे इक्वल होन। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, किन्ने स्टूडेंट लैफ्ट यानी कि किन्ने स्टूडेंट बच जाएंगे इस दे विच जी। देखो अपने सब तो पहले देखना होंगे कि इस दे विच किस दा स्क्वेयर सब तो नेड़े है। अगर मैं 24 का स्केयर करा जी, देखो 24 का स्केयर करा तो मैं किन्ना आजू अपने 5 7 6 आजूगा, अगर 25 का स्केयर करा तो किन्ना आज 6 2 5, ठीक है जी। ये तो बद गया 600 तो, इसका मतलब यह तो हो नहीं सकता। तो आह ऑप्शन लवेंगे आप, 24 का स्केयर यानी कि इस 24 ही रो हो, 24 ही कोलम हो, 576 हो, किन्ने रिमाइंडर बचने, तो बचते किन्ने ने वो देखो जी,
600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 576 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 24 ਤਾਂ 24 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਵੇ 94 ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 95 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 0 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਦਾ 1/0 ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 96 ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫਰੈਂਡ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਲੂਡੋ ਵਿਦ ਟੂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਨੀਡ ਅ ਟੋਟਲ ਸਮ ਆਫ 8 ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 8 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਨ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਦੀ ਡਾਈਸ ਟੂ ਵਿਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 8 ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਦੈਟ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਲ ਵਿਨ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਜੀ ਔਰ ਡਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਵੇ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣਗੇ 36 ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਸਮ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆ ਸਕਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਆ ਸਕਦਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਅਪ ਟੂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਆ ਸਕਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ 7 ਬਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 8 ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 1 2 3 4 5 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 5/36 ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 97 ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦ ਸਿੰਗਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੋਵੈਲੈਂਟ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 25% 20% ਐਂਡ 10% ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 97 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਆਰ ਪੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 100 ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20% ਜਦੋਂ 20% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ ਜੀ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਜੂਗਾ 100 - 20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 rupees ਜੀ 25% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 25 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 75 ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਜੂਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 20% ਪਹਿਲਾਂ 10% ਕੱਢੋ 7.5 ਹੋਜੂਗਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੋਜੂਗਾ 15 ਤਾਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 60 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 60 - 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 54 ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ 20 5 + 15 + 6 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਪੀ 100 ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 46 ਅਪੋਨ 100 ਨਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤਾਂ 46% ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98 ਜੀ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅ 5cc³ ਇਜ਼ ਪੈਂਟਰਡ ਔਨ ਆਲ ਇਟਸ ਸਾਈਡਸ ਇਫ ਇਟਸ ਸਲਾਈਸਡ ਇਨਟੂ 1cc³ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿਊਬ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ 5 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 1 2 3 4 ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ
ठीक है जी। तो उस दे विच एक ही कह रहा है, हाउ मैनी वन सी 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 क्यूब विल बी एग्जैक्टली वन ऑफ द साइड पेंटड। तो आप जो एक एक साइड यदि पेंट कर दिए, ये आ वाली साइड पेंट कर दिए, जो मैं जा मैं एक फेस लव, वन टू थ्री फोर, सिमिलरली इस दिनों ले लो जी, टू थ्री फोर फाइव, ठीक है जी। वह कह रहे जी आपने इधला आ वाला फेस अपने पेंट करता जी, जोड़ा कोर्नर वाला वो सारा फेस पेंट करता, तो किन्ने बच गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन, तो नाइन बच गए। तो सारे फेस उत्ते नाइन नाइन बचन गए जी, तो किन्ने फेस होंगे ने, सिक्स फेस होंगे, नाइन सिक्स या 54, तो 54 ऐसे हो गए जोड़े बच जाएंगे जी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ठीक है जी, इस दे विच अपनी की होगी, इन्हां दे विच दा डबल डबल फेस पेंट होगा, इस साइड भी होगी, इस साइड भी होगी, ठीक है जी, पेंट इधरों भी होगा जी, लेकिन आ वाले होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड तो ही की होंगे जी पेंट होंगे। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 दे विच अपन की कह रहे जी, 99 दे विच की है, इफ एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, अगर इस दे फैक्टर होन दैन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, तो ए प्लस बी की वैल्यू की होगी। तो इस देखो आप सोल्व करते हैं, देखो जी 99 दे विच आपां नूं एक फैक्टर दिता है एक्स प्लस टू, इनू भी जीरो दे एक रख लो जी, जो जीरो दे एक रखा तो किन्ना आजू अपने लगे एक्स की वैल्यू माइनस टू आजू, वो पुट कर दो ये जी, जो ये पुट करे आपने तो कि आजू ए माइनस टू की पावर फोर प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू की स्केयर, और अपने लगे आ गया प्लस बी माइनस टू प्लस माइनस फोर, ठीक है जी। ये अपने लगे आ गया टू टू जो फोर 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 यानी कि 16 ए आ गया अपने लगे, माइनस का फोर आ गया जी अपने लगे, और आ अपने लगे आ गया टू टू जा फोर फोर जा 12, और माइनस का टू बी आ गया और माइनस का फोर आ गया 16 ए जी, और माइनस टू बी आ गया अपने लगे। उस तो बाद देखो जी अपने लगे आह यानी कि माइनस का फोर माइनस का 12 और माइनस का फोर, ये अपने लगे की ने जी, सारे के सारे कॉन्सटेंट टर्म ने, इन्हों की कर दो, माइनस के फोर ने माइनस के फोर ने माइनस के एट हो गए जी 12 प्लस दे फोर बच गया अपने लगे, ये मान लो एक नंबर जी। नैक्सट देखो जी, जो अपन दूसरा फैक्टर दिता हुआ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो पुट कर लो, और एक्स इज इक्वल टू टू, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी टू आ गई, उरे की आई थी माइनस टू आई थी, वो पुट कर दो जी, हुण इहदे विच पुट करो जी, ये जो पुट किया अपने ये भी 16 ए आ जूगा जी प्लस 4 आ जूगा जी, और ये अज अपने लगे आ जूगा माइनस का 12 जी, उस तो बाद अपने लगे आ गया जी, उरे अपने लगे माइनस ही है जी, तो कि आजू माइनस का 12 आजूगा जी, और आजू अपने लगे माइनस का 20 जी, ठीक है जी, जो एड करा अपने लगे की होजूगा माइनस का 20, तो माइनस का 12 आ गया जी, पुट कर दिया आप टू की वैल्यू, जो पुट करे आपने जी उरे आ गए से आप 12 प्लस टू बी और माइनस का 4, इनू सोल्व कर लो जी, जब इनू सोल्व करे 16 ए प्लस टू बी और ये कि आ गया अपने लगे जी माइनस का 12 है जी, माइनस का 4 है, माइनस का 16, 16 के 4 माइनस करिए जी तो कि आजूगा माइनस के 12 ही रह जाएंगे जी, ये आ गया अपने लगे ऑप्शन टू। हुण इन एडिशन या सबट्रैक्शन करके आप वैल्यू कट सकते हैं, एड कर लो जी, इन्हों एड 1 एंड 2 एड करो जी, 16 ए 16 ए तो 32 ए हो गया जी, टू माइनस का 2 बी प्लस का 2 बी कट हो जूगा जी, जीरो आ जूगा, और आ वाला है माइनस का 20 जी माइनस का 12 जी, किन्ने हो गए माइनस के 32 आ गए जी, इज इक्वल टू जीरो जो अपने एड करते जी, तो कि बराबर आ गया है अपने लगे जी 32 ए इज इक्वल टू 32 अपॉन और कट लें जी 32 अपॉन 32 कि आ गया अपने लगे, ए की वैल्यू कि आ गई 1 आ गई, इनू पुट कर दो किसी भी एक दे विच 1 दे विच पुट कर दो जी, ए बराबर आ गया अपने लगे 1, पुटिंग इन 1 1 दे विच पुट कर दो जी 16
माइनस टू बी माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। ये सारे जीरो के इक्वल ही ने, जो आप फैक्टर पुट कर जाते आंसर की आ जाता जी जीरो आ जाता है जी, इस करके ही जीरो के इक्वल ही ने सारे सारे। तो कि हो गया जी 16 माइनस द माइनस टू बी माइनस द 4 माइनस टू बी इज इक्वल टू 4 जी, उधर चले जाऊंगा जी, और बी इज इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 2, यानी कि माइनस ऊपर चलेगी कि हो गया जी माइनस द 2, बी इज इक्वल टू आ गया अपने लिए माइनस द 2, ए ते बी अपने लिए ए आ गई। हुण दोनों ऐड करना जी, अपने पता की करना थी ए प्लस बी, ए दी वैल्यू कितनी है 1 जी, और बी दी वैल्यू कितनी है माइनस 2 जी, आंसर आ गया अपने लिए माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर ए अपने लिए की हो जूगा जी करैक्ट हो जूगा जी। क्वेश्चन नंबर 100 देखो जी, आ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट एंड द 14 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है जी, उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और डायमीटर वह 14 सेंटीमीटर, एंड मेल्ट एंड रीकास्ट इन टू द टू कॉन्स, वो दो कॉन्स बनाई जाएंगे इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:4, 3:4 के डिवाइड किया गया वो वॉल्यूम में, ठीक है ना, कीपिंग द हाइट 10 सेंटीमीटर और हाइट अपन ने उन्नी रखी 10 सेंटीमीटर रखी, वट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ द बिफोर एंड आफ्टर, जो फ्लैट एरिया कि डिफरेंस आऊगा। देखो एक सिलेंडर अपने लगे जी, तो उन्होंने कन्वर्ट किया गया जी दो कॉन्स दे विच जी, अपन पता जो तो एक चीज़ मेल्ट करके जी दूसरी चीज़ के कन्वर्ट करी जाती है तो पक्का उन्हों का वॉल्यूम तो सेम होंगे ही होंगे जी। अपन रेडियस दिता हुआ जी, डायमीटर दिता है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी, डायमीटर कितना दिता 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना जो 7 आ जाओ, यानी कि आर अपने लगे कि जो 7 आ जाओ, ये रेडियस मान लो R1 और ये रेडियस मान लो R2, हाइट सारे की सेम है जी 10-10 ही है जी, तो इस करके ये तो सेम ही आ जाऊगी, ठीक है जी। हुण देखो अगे क्वेश्चन अपन की पूछा गया, वो कहिंदा इन्हां दे फ्लेट एरिया दे विच की डिफरेंस आ जाऊगा जी, तो अपन नूं पता कि वॉल्यूम तो इन्हां दा इक्वल है, उरो पहला आपां थोड़ा जिहा सोल्व करदे हां, पाई आर द स्क्वेयर एच इज इक्वल टू सिलेंडर दा किहदे बराबर होगा, इन्हां दोवां दे वॉल्यूम दे सम दे बराबर जी, 1/3 पाई आर द स्क्वेयर, पाई आर द स्क्वेयर एच, यानी कि R1 ले लाँगे जी और ये R2 ले लाँगे जी, ठीक है जी। हुण देखो पाई और एच तक कट हो गई, पाई और एच भी, पाई और एच भी कट हो गए सारे दे विच, तो आर द स्केयर कि बराबर आ जाऊगा, जो आप एलसीएम भी ले लेंगे तो की आ जाऊगा, R1 का स्केयर प्लस R2 का स्केयर अपने लिए भी आ जाऊगा upon 3 आ जाऊगा, जोड़ा 3 है नीचे आऊगा वो आप इधर ले जाने, इन ले दो एक नंबर जी। हुण देखो नैक्सट अपन की पूछा गया, फ्लैट एरिया बिफोर तो आफ्टर के कि फर्क आ जूगा, देखो फ्लैट एरिया यदा कि होगा, एक आ पे एक आ पे, दो ही सर्कल ने दोनों ऐड कर दो, 2πr द स्केयर जी इज इक्वल टू यदा फ्लैट एरिया आ वाला सर्कल है, एक आ वाला सर्कल है, ठीक है जी, इन्हों दोनों ऐड कर दो, πr1 द स्केयर प्लस πr2 द स्केयर, पाई पाई कट हो गया जी सारे दे विच, तो की आ गया 2r2 द स्केयर, यानी कि आर द स्केयर इज इक्वल टू R1 द स्केयर प्लस R2 द स्केयर, बट ये कि बराबर से अपने लगे 3r द स्केयर, तो किन्ना फर्क पिया वो देखो, तो देखो किन्ने परसेंटेज का, यानी कि अपने लगे चेंज परसेंटेज किन्नी आई, पहला 3r सी जी आर द स्केयर थी, हूँ आ गया अपने लगे 2r द स्केयर upon 2r द स्केयर into 100 जी, तो आर द स्केयर तो आर द स्केयर नाल कट हो जाऊगा, यानी कि अपने लगे रह जो उपर रह जाऊ आर द स्केयर upon 2r द स्केयर into 100, आर द स्केयर ना कट गया अपने लिए 2 नाल कट गया, की रह गया जी अपने लिए 50% फर्क पै जूगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी अपने लगे जी। नैक्सट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 101 है जी अपने लगे, द सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ कार्ट इज 30 feet लोंग एंड बैक व्हील इज 36 feet लोंग, वट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट वेन फ्रंट व्हील हैज डन 5 more revolution दैन रेयर व्हील। देखो जोड़ा एक बड़ा या एक बड़ा व्हील है, एक स्मॉल व्हील है, देखो दो ही डिस्टेंस मान लो एक ही गड्डी दे लगे हों, तो डिस्टेंस तो सेम कवर करते होंगे ने, बट एदिया रेवोल्यूशन बढ़ जाते हैं और एदिया घट होंदिया ने, ठीक है जी,
तब इस तो ही कैलकुलेट करते हैं जी। देखो सब तो पहले आप देखते हैं कि जोड़ा सरकमफ्रेंस सी वन है वह कि 36 फीट है जी, और जोड़ा सी टू है यानी कि आह वाला आप सी टू मन लें, आह वाला सी वन मन लें, और दूजा है अपने लगे सी वन का आप 36 और सी टू का आप 30 मान लो जी। ठीक है जी, नैक्सट देखो जी इस दे हुण देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मान लो जी इस ने अपने लगे बिग होल ने जी, बिग व्हील ने देखो जी, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन बिग व्हील एन ने जी मान लो जी। ठीक है जी, तो समॉल दे विच कितने आएंगे जी, वह की कह रहा समॉल दे विच जी 5 आपां नूं वध कह रहा, यानी कि एन प्लस 5 हो जाएंगे। तो देखो हुण डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ही कवर करी होगी, रेवोल्यूशन का ही फर्क होगा, तो जिहड़ा समॉल होगा आप देखो जिहड़ा समॉल वाला होगा जिन्हें 5 वध करदे ने तो वो डिस्टेंस उन्हें डिस्टेंस कितनी कवर करी है, आ वाले ही अपने लिए 30 और दूजा अपने लिए 36 है जी, वो एन है जी। हुण देखो इनू मल्टीप्लाई कर दो जी अंदर तो किन्ना आजू अपने लगे, फिर कटिंग कर लो, कटिंग नाल आपां नूं आसान हो जाऊ, उरे 5 आ जाऊगा उरे 6 आ जाऊगा जी, तो 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 6n। ठीक है जी, 5n नूं उधर ले जाओ, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 5 रह गया जी अपने लगे, n इज इक्वल टू कितना आ गया जी 5 आ गया, ये अपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ गई जी जिहड़ियां अपने बिग व्हील ने खाधे, तो उसका मतलब फिर नेक्स्ट ने किन्ने खाधे होणगे 5 ऐड कर दो 10 होणगे जी। तो आपां ने कटनी थी डिस्टेंस जी, तो डिस्टेंस कि किसी एक ऐड कर दो, आप देखो ये ऐड कर दें 30, एन कि जी एन प्लस 5 इस वैल्यू भरते हैं 30, एन कि जी 5 अपने लगे 5 है जी 5 नहीं, ये आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5n × 25, तो अपने लगे कि आजगा जी 25 रेवोल्यूशन होगी, 25 इन की वैल्यू आ गई प्लस 5 तो कि आ गया अपने 30 × 30 तो कि आ गया 900 अपने लगे रेवोल्यूशन होता, ऑप्शन नंबर अपने लगे डी करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी, नैक्सट देखो, नैक्सट देखो जी 102 क्वेश्चन, इफ द लेटर फेस आर द परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द प्रिज्म दैन इट इज़ कॉल्ड डैश प्रिज्म। देखो एक प्रिज्म अपने लगे, देखो प्रिज्म किस तरह का होंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने लगे आह वाला प्रिज्म है जी, कहना आह वाला जो एंगल है वह राइट एंग राइट बन रहा मीनस कहना परपेंडिकुलर है, तो उसनों आप कहेंगे तो ओबियसली राइट ही कहने होंगे, तो ऑप्शन इस ऑप्शन अपनी ए करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो जी 103 क्वेश्चन, मेजर द ऑफ द टू एंगल बिटवीन द ओवरहैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 9 o'clock। देखो 9 o'clock देखो की शो हुआ, तो अपने लगे जो 9 होंगे तो देखो इस तरह ही होंगे ही सुनिया, उरे 9 हुआ अपने लगे और उरे 12 हुआ, तो 9 बज गए, तो आ वाला एंगल कि हुआ 90 डिग्री, तो जो बाकी एंगल हुआ कि हुआ 270 डिग्री डिग्री का हुआ, तो इस कुछ सोचने वाली बड़ी गल ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जूगा 270 और 90 डिग्री वाला। ठीक है जी, नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 104, स्केयर हैज़ द रेशनल रोटेशनल समेट्री ऑफ ऑर्डर, किन्नी रोटेशन समेट्री होंगी, रोटेशन समेट्री अपने पहला भी पिछले पेपर से भी गल कर चुके हैं जी, कि इसनों रोटेट किया जाए एक रोटेशन हो जाएगी किन्ने बार यह उही फेस शो करूगा जिहड़ी पोजिशन पहली होगी। देखो पहली बार आप रोटेट करा तद भी यह स्केयर ही रहूगा, दूजी बार रोटेट करा तद भी उही शो करूगा जी उही फेस, थर्ड बार भी उही और फोर्थ बार भी उही, तो किन्निया रोटेशन हो गया 4 रोटेशन के चारों बारे सेम एंगल यानी कि सेम ही पोजिशन शो करूगा, अपन लगेगा कि उही है, तो इस ऑप्शन नंबर 4 करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो 105, द हाइट ऑफ द रैक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम शो द, देखो हिस्टोग्राम की होंगे, हिस्टोग्राम देखो पहला की होंगी, जड़ी आ वाली आप फिगर बनाने होंने जी, तो इस आप वाली फिगर होंगे ने जी। ठीक है जी, तो आ वाली जी हाइट होंगी है ये की शो कर देंगे, देखो इधर अपने इंटरवल होंगे ने, इधर की होंगे जी अपने लिए फ्रीकुएंसी। ठीक है जी, तो फ्रीकुएंसी ऑफ द क्लास शो कर दिता, ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगा जी अपने लगे इस। नैक्सट देखो जी 106, नैक्सट देखो जी इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 24 होंगे जी,
4 हो गए, दैन द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन अपन ने पता करना जी इस दे विच, ठीक है जी। तो आप देखो की दिता है पहला वो राइट कर लो, देखो मीड मोड माइनस मीडियन अपन दिता जी 24, ठीक है जी। उस तो बाद अपने एक एम्पीरिकल फार्मूला हों की हों जी, मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, यही होंगे जी अपने लगे। हूँ देखो इस अपने डिफरेंस कि पता करना जी, मीडियन ते मीन दे विच अपने डिफरेंस पता करना जी। हूँ देखो इसनों मैं कि इस तरह लिख सकता, मोड इज इक्वल टू मीडियन मैं ब्रेक कर दा जी, टू मीडियन प्लस वन मीडियन माइनस टू मीन, ठीक है जी। हुण इस दे विच देखो इन्हां दोवां दे विच मैं कि टू कॉमन ले सकता है ना जी, तो मीडियन मोड इज इक्वल मोड आ वाला मीडियन जिहड़ा एक है जी इहनूं मैं इधर ले जाणा, माइनस मीडियन इज इक्वल टू ये टू कॉमन ले लिया जी की बन गया मतलब मीडियन माइनस मीन, तो आ इस दी वैल्यू अपन मोड माइनस मीडियन दी वैल्यू अपन दित्ती हुई जी 24, 24 इज इक्वल टू टू मीडियन माइनस मीन, ठीक है जी। टू ना डिवाइड कर दो 24 अपॉन टू इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन किन्ना आ जाऊगा जी अपने लिए 12, तो ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जूगी। अपने यही पता करना सी मीडियन ते मीन दे विच अपने डिफरेंस कढ़ना सी, तो ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जूगी जी। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो जी 107 जी, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इनक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर वेयर एयर इज पंप इन टू इट, यानी कि उसका 7 सेंटीमीटर रेडियस तो कितना हो गया जी 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल बैलून इन द फ्लैट 1, ठीक है ना, ओरिजिनल अपॉन आप जड़ा नवा अपना इनक्रीज होकर बनया जी उसका स्फेरिकल यानी कि सरफेस एरिए डिवाइड कर दो, अपने वो रेशो दसनी है जी। तो की होंगे जी फार्मूला की होंगे 4π r1 मान लो जी, जो फस्ट और जोड़ा शुरू वाला आ और दूसरे आप r2 मान लो जी, तो की होगा ये तो कट ही हो गया और अपने लगे की रह गया 7 × 7 आ जी 14 × 14, कट के टू ए कट के टू कि आ गया 1/4, तो रेशो आ गई अपने 1:4, तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी जी अपने इस दे विच, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, अबाउट हैविंग लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, एक बोट है जी अपने लगे 108 क्वेश्चन है जी, लेंथ हैगी अपने लगे 3 मीटर की और आ हैगी अपने लगे 2 मीटर की, इज फ्लोट ऑन द लेक द बोट सिंक बाय 1 सेंटीमीटर वैन द मैन गेट ऑन इट, इस दे उत्ते जो आदमी बैठता तो यह 1 सेंटीमीटर की हो जाती है जी होर ज़्यादा डुब जाती है, ठीक है ना। द मास ऑफ द मैन, तो आदमी का मास किन्ना होगा जी, इस दे विच देखो अपन एक फार्मूला होंगे जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। तो मास अपॉन वॉल्यूम अपने लगे अपने पता की करना जी, मास पता करना, मास कि बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दे, ठीक है जी। डेंसिटी कितनी है वाटर की, जो डेंसिटी होंगी वह कितनी होंगी है जी 1000 होंगी है जी, ठीक है जी, ये याद रखना पूरा थोनों। तो दूसरा अपने लगे बोट की जी अपना लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है, वह कितनी है यानी कि जी डुबी है वह अपने लगेगी 1 सेंटीमीटर, एक चीज़ देखो ये सेंटीमीटर चा आ वाली अपने मीटर के, तो इनू भी आप करांगे जी सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लाँगे, तो 0000 ना कटोगे 3×2 = 6, 6 यानी कि किन्ना जो 60 kg आजूगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगा अपने लगे इस दे विच जी। नेक्स्ट देखो 109 दे विच देखो अंडर रूट 10 की वैल्यू दी हुई 3.162, दैन द वैल्यू ऑफ द 1/ अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होगी, देखो जो अपन अंडर रूट 10 की वैल्यू अपन आ वाली दी हुई है जी 3.162 दी है, तो इस दे विच देखो 109 दे विच तो 1/100 दे विच कितनी हो जूगी, ये देखो ये भी पलट जूगी जी, ये पलट गई है जो 1/3, मैं आ वाला पॉइंट खत्म करके उपर 0 लगा लाना जी और उरे आ लगा लाना। हूँ देखो डिनोमिनेटर
और न्यूमिनेटर, जोड़ा डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, न्यूमिनेटर छोटा है, इसका मतलब वैल्यू की होगी जी वन तो लेस, यानी कि जीरो तो लेस, वन तो लेस होगी अपने लिए वैल्यू, तो वन तो लेस वाली ऑप्शन देख लो जी केडी ए दे। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर वन करैक्ट हो जाएगी, ये शॉर्टकट ट्रिक है जी, नहीं अदरवाइज तुम कैलकुलेट भी कर सकते इस जी। नेक्स्ट देखो जी 110 क्वेश्चन जी, 110 दे देखो जी द स्केयर रूट ऑफ 7 + 3√5, 7 - 3√5, ये स्केयर रूट पता करना जी। तो इस दे देखो अपने एक फार्मूला होंगे जी a + b a - b, किस दे इक्वल होंगे जी ए द स्केयर माइनस बी द स्केयर दे इक्वल होंगे। देखो इस दे देखो अपन दिता है 7 + 3√5, 7 - 3√5 = 7 द स्केयर माइनस 3√5 द स्केयर जी, तो यह कि 49 माइनस 3 3 = 9 और 5 9 5 = 45 जी, तो कि आज अपने लगे 4 आज। हूँ यह अपने सिर्फ हजे सिंपल सोल्व करे, यदा की पता करना तो अपने स्केयर रूट, तो स्केयर रूट कि आजगा 2 आजगा, तो ऑप्शन नंबर अपने लगे बी करैक्ट हो जूगी जी। नेक्स्ट देखो 111, इस दे देखो जी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली, जोड़ा कंपाउंड लग रहा वो की लग रहा जी क्वार्टरली लग रहा जी, तो इस देखो 9 मंथ दे किन्ने क्वार्टर बनने पहले, तो यह आप टाइम कट लो जी 111 दे जी, तो टाइम दे देखो क्वार्टर किन्ने बनने, तो देखो 9 मंथ ने जी अपने, तो किन्ने बन जाएंगे जी 4 क्वार्टर होंगे ने, तो इसका मतलब ये किन्ने बन गए 3 क्वार्टर बन गए जी। नेक्स्ट देखो जी अपना पी कि दिता है अपन 16,000 जी, और रेट कि दिता हुआ 20% पर एनम दिता हुआ जी अपन, तो इसका मतलब एनू भी कि डिवाइड करना पूगा अपन 4 ना डिवाइड करके कि आजगा 5% आजू अपने लगे, ठीक है जी। तो हूँ अपना लगे अमाउंट का फार्मूला लगा दो जी, तो अमाउंट यानी कि पी 1 + r/100, ठीक है जी, और ये उपर एन एन कि अपने लगे एन अपने लगे 3 आया जी, ठीक है ना। आप वैल्यू भर दें 16,000 1 + 5/100 उपर 3, ठीक है, पावर अपने लगे 3 है, तो इसको सोल्व कर लो 16,000 5 × 5 = 5 20 में करे अपने 100 जी, तो कि आज अपने लगे 21/20 3 टाइम है जी 16,000 21/20 21/20 21/20 0 0 0 ना कट हो गई जी, 2 2 = 4 4 2 = 8 सारे कट हो गए जी, 2 आ जाएगी वैल्यू। हूँ इस तो बाद इस सोल्व करके अपने लगे 18,522 जी, ठीक है जी, ये अपने लगे आ जाता अमाउंट अपने लगे पूरी ए आती है 16,000, तो 16,000 तो अपने लगे ए वाली अमाउंट बन जाती है। बट अपन की पूछे जी कि ये यानी कि किन्ना डिफरेंस होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अपन पता करे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किन्ना लगेगा जी 18,522 दे विच्चों जी 16,000 माइनस कर दो जी, तो ये अपने लगे आ गया जी, ये अपने लगे आ गया जी 2,522 जी, तो ऑप्शन नंबर अपने लगे सी करैक्ट हो जूगी जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखो जी अपने लगे क्वेश्चन नंबर 112 है जी, जसमेहर एंड द रमेल वेंट टू द बाइस पेन, पेन खरीदने जा रहे हैं, दे हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द बिगनिंग एंड द बोथ ऑफ देम अबाउट द सेम काइंड ऑफ पेन, उन्होंने सेम काइंड किस्म का पेन लेता जी, जसमेहर बॉट 5 पेन, जसमेहर ने 5 पेन लेते एंड इज लेफ्ट ऑफ द 100 रुपीज, एंड रमेल बॉट 7 पेन एंड इज लैफ्ट 20 रुपीज, वट इज़ द कोस्ट ऑफ 1 पेन। देखो शुरू के दे उन्होंने लगे पैसे तो सेम ने, तो 1 पेन की कोस्ट मान लो, कोस्ट आप एक्स मान लेना, तो उसने किन्ने खरीदे जी, जोड़ा जसमेहर है, जसमेहर ने 5 पेन खरीदे तो 5x जी, तो कि और किन्ने लैफ्ट बच गए, वे पैसे किन्ने बच गए जी अपने लगे, वो लगे 100 रुपीज बच गए, तो टोटल मनी होगी वो कि जी जसमेहर की जी। उस तो बाद जोड़ा अपने लिए रमेल, रमेल ने किन्ने पेन खरीदे 7 जी, और बच गए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज, तो इन दोवों की अमाउंट अपने एको रखती 5x में उधर ले जाइए, 5x माइनस का हो जाएगा की रह जूगा 2x = 20 में इधर ले आ जाओ कि रह जाऊगा 80, तो x = कि आ जाऊगा 80/2 क
कटिंग करके अपने लिए कितना आ गया जी 40। तो एक्स यानी कि पेन की जी कीमत होगी वो कितनी होगी जी 40 रुपीज़ होगी। ऑप्शन नंबर सी करैक्ट होजूगा इस दे विच जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 113। इन ए पार्टी देर आर द थ्री डिफरेंट साइज ऑफ पीजास। एक पार्टी के थ्री डिफरेंट टाइप के पीजास लेते हैं ऑफ द रेडियस 7 इंच 9 इंच एंड 12 इंच। 7 इंच पीजा इज स्लाइस्ड इन 7 स्लाइस्ड 9 इंच पीजाज इज स्लाइस्ड इन 9 स्लाइस्ड एंड 12 इंच पीजा इज स्लाइस्ड इन 12 स्लाइस्ड। इफ यू हैव ऑप्शन टू चूज ओनली वन स्लाइस विच पीजा स्लाइस इज द लार्जेस्ट। केड़ा इन विचों ज़्यादा बड़ा पीस होगा ठीक है जी, तुसी केड़ा चूज करोगे। तो उस दे विच देखो सारे दा अपन एरिया पता होना चाहिए जी। जो एरिया हो तो एरिया आप स्लाइस के डिवाइड कर देंगे। देखो फस्ट जरा यह 7 इंच रेडियस से तो अपन 7 हिस्सों के ब्रेक करता तो की होगा पाई आर द स्केयर होगा जी। तो आर द स्केयर का मतलब की होगा जी 7 का स्केयर अपॉन 7 हिस्से। दूजे अपन कि पाई और ये कि 9 यानी कि 9 का स्केयर अपॉन 9। तीजे अपन की पाई आर का स्केयर आर कि 12 12 का स्केयर अपॉन 12 ठीक है जी। हुण इहदे विच देखो एक 7 तो कटोगे ये एक 9 कटोगे ये एक 12 कटोगे जी। तो की रह गया अपने लिए 7 पाई दूजे अपने 9 पाई चौथे तीजे अपने लिए 12 पाई रह गया अपने लिए। तो सब तो बड़ा हिस्सा कि आ रहा जी 12 पाई वाले का। तो आप कि ऑप्शन के चुनावे जी ऑप्शन नंबर सी चूज़ करा क्योंकि इस सब तो ज़्यादा एरिया आ रहा जी ठीक है जी। सब तो बड़ा पीस इसका ही आ रहा। नैक्सट देखो जी इस दे विच देखो जी इन ए फिगर बिलो द फ्लोर यानी फ्लोर प्लैन ऑफ द ऑफिस इज गिवन। आ फ्लोर प्लैन दिता हुआ अपन जिस फस्ट जरा जी अपने लगे है रिसैप्शन सेकेंड के अपने लगे है वाशरूम थर्ड के है अपने लगे कॉन्फ्रेंस रूम और फोर्थ के है मेन ऑफिस अपना जी। कहना बोथ ऑफिस एंड वाशरूम बोथ ऑफिस एंड वाशरूम आर द स्केयर। जो ऑफिस तो वाशरूम ऑफिस के अपने लगे ऑफिस है अपने लिए फोर्थ यानी कि एक ए अपने लिए स्केयर है जी। एक वाशरूम वाशरूम अपने लगे कि सेंकड़ तो यह दो ही की ने जी स्केयर ने ठीक है जी। आर स्केयर विद एरिया 65 मीटर स्केयर एंड 4 मीटर स्केयर रिस्पैक्टिवली। वेयर एज द कॉन्फ्रेंस रूम हैज़ एन जरा कॉन्फ्रेंस रूम है कॉन्फ्रेंस रूम अपने लिए थर्ड है जी ठीक है जी। स्केयर अपने लिए आ वाले कॉन्फ्रेंस रूम अपने लिए आया कॉन्फ्रेंस रूम के अपने लिए की है जी वह एक एरिया कि जी अपने 96 ए 96 है जी। ए अपने लिए है जी 4 ए अपने लिए है 65 ठीक है जी। कहता वट इज़ द एरिया ऑफ द रिसेप्शन रिसेप्शन का एरिया अपने पता करना जी ठीक है जी। देखो जो ए अपने लिए की है जी सेकंड थर्ड नंबर पर अपने लिए कॉन्फ्रेंस रूम है कॉन्फ्रेंस रूम के अपना ये एरिया कि होगा जी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा अपने लिए ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 114 देखो जी लेंथ इनटू ब्रेथ अपने लिए दिता है जी 96 ठीक है जी। नेक्स्ट अपने लिए 65 नहीं है जी 64 और 64 है ठीक है जी। जो 64 है तो यदि लेंथ और ब्रेथ कि होगी 8 × 8 होगी यानी कि इन ही 8 आ होगी 8 आ होगी ठीक है जी। तो आपने लगे 8 आ गई यानी कि लेंथ अपने लगे 8 आ गई तो ब्रेथ कि होगी जी फिर अपने लगे। तो इस देखो 8 × b इज इक्वल टू 96 बी इज इक्वल टू 96 अपॉन 8 तो कि आजू अपने लगे जी 12 तो बी इज इक्वल टू अपने लगे 12 आ चुके। तो आ वाली अपने लगे 12 आजूगी ठीक है जी। नैक्सट अपने लगे आह वाले ये भी एक स्केयर है जी जे ए भी स्केयर है तो 2 2 साइड आऊगी तो आ अपने लगे कि आजूगा जी 2 आजूगा। तो बाकी बचे अपने लगे ए वाला हिस्सा जी ठीक है जी। ए उरे तो लेके उरे तक अपने लगे 12 है जी ठीक है जी। तो उरे तो लेके उरे तक कि अपने लगे 8 है जी। तो आप की करांगे 12 दे विच्चों अपना 8 माइनस कर देंगे जी ठीक है जी। माइनस करके अपने लगे ये कि आजूगा 4 तो टोटल लेंथ अपने लगे कि आजूगी जी। ये टोटल लेंथ इन्हों नू एड कर दो कि आजूगी 16 16 और 2 तो एरिया कि आजूगा अपने लगे 16 × 2 कि आजूगा 32। तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट होजूगी अपने लगे ठीक है जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 115 ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रजेंट द 400 मीटर 400 मीटर शो कर रहा 1 सेंटीमीटर के उत्ते। कहना अ डिस्टेंस ऑफ द 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप
फोर सेंटीमीटर किन्ना होगा, देखो फोर सेंटीमीटर होगा 4 × 400 तो किन्ना आ जाऊगा 1600। ठीक है जी, तो 1 मीटर के यानी कि 1 किलोमीटर के किन्ने मीटर होंगे ने जी, ये अपन पता होगा जी 1000 होंगे ने जी, तो की आ जाऊ अपने लिए 1.6 किलोमीटर आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी अपने लिए की हो जूगा जी करैक्ट हो जूगा जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो जी 116 आ वाले सारे 5 क्वेश्चन जी अपने लिए पेडागोजी देने। इस दे विच अपना एक रूल होंगे जी कि जिहड़ी सब तो अप्रोप्रिएट जिहड़ी ऑप्शन होंगी उसनों अपना चुनना होंगे। ठीक है जी, मौके पर ही अपने समझ दे विच आ जूगी जो ऑप्शन आप रीड करांगे तो सब तो अप्रोप्रिएट जिहड़ी होगी ना, प्रोपर जिहड़ी ऑप्शन होगी आप उसनों ही चुनांगे। कहना द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग अलजबरा टू मिडल ग्रेड स्टूडेंट इज़ टू अनेबल स्टूडेंट, यानी कि जो शुरू वाले बच्चे ने जी टीचिंग ऑफ अलजबरा जो मिडल ग्रेड के बच्चे ने जी उन्होंने अलजबरा पढ़ाने का ही की उद्देश होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस दे विच देखो जी की उद्देश होना चाहिए, द सीइंग द रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन द मैंबरस एंड लुकिंग फॉर द पैटर्न इन द रिलेशन, कि उन्होंने पैटर्न के बारे पढ़ाना। ठीक है जी, नहीं जी इस दे बारे तो नहीं, टू मास्टर द स्किल ऑफ द रीडिंग नंबर। ठीक है जी, तो यह ऑप्शन आप बिल्कुल करैक्ट लग रही है, इक्वेशन और नन ऑफ दिस का इस आता नहीं है, यानी कि इक्वेशन बारे तो अपने मास्टर बनाना नहीं, उन्होंने तो अपने सिर्फ और सिर्फ नंबर की स्किल प्रोवाइड करनी है जी। नेक्स्ट देखो जी 117 के कह रहा है जी, टीचर्स वांट टू इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी दी कैन यूज। ठीक है ना, कि स्ट्रेटजी वह यूज करे इस दे विचो। ठीक है जी, यूज ऑफ मॉडल, यूज ऑफ ICT रोल प्ले करे। ठीक है जी, या सोलविंग लोट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो मनी प्रॉब्लम ऑप्शन समझाने वास्ते जी और रोल प्ले करे जी अपना। ठीक है जी, यानी कि एक बच्चे नू लवे जी उस दे विच उसनू कुछ मनी फड़ावे। ठीक है जी, तो और दूसरे बच्चे नू दवे कुछ खरीद के, इस तरह के यानी कि एक रोल प्ले करे जिस दे नाल वो बच्चे आसानी दे नाल समझ जाणगे जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 118 दे विच देखो जी 118 है जी, वाई शुड टीचर इनवॉल्व दैमसैल्व इन द सर्विस मैथ प्रोग्राम, यानी कि अपनी सर्विस दे विच रह के मैथ प्रोग्राम दे विच क्यों जाना चाहिए जी, टू मीट द फॉलो टीचर्स, बाकी टीचर नू फॉलो करना यानी कि उन्होंने मिलने वास्ते जिहड़े उहदे नाल ने जी, टू डिस्कस अबाउट द इशू ऑफ टीचिंग एंड फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन। बिल्कुल ऑप्शन करैक्ट है जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी, यानी कि अपने प्रॉब्लम को बच्चों के बच्चों ने जो प्रॉब्लम आदि ने मैथमैटिक्स में समझने उन्होंने सोल्व करन दे वास्ते मीटिंग अटेंड करो। ठीक है जी, नैक्सट देखो जी 119 द सीकुएंस ऑफ द स्टेप ऑफ दिस सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सोलविंग स्किल इनसाइट थिंकिंग टाइम प्रैपरेशन एंड वेरीफिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो जी प्रैपरेशन थिंकिंग टाइम इनसाइट और वेरीफिकेशन, नेक्स्ट देखो जी थिंकिंग टाइम इनसाइट वेरीफिकेशन प्रैपरेशन या वेरीफिकेशन प्रैपरेशन थिंकिंग इनसाइट। ठीक है जी, इस दे विच देखो सब तो ज़्यादा प्रोपर केड़ा यानी केड़ा वे चलता सिस्टमैटिक तरीके, तो वह ऑप्शन नंबर ए है जी, इनसाइट थिंकिंग टाइम प्रैपरेशन एंड फिर वेरीफिकेशन होगी जी। नेक्स्ट देखो जी 120 वी टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग द स्कूल बर्डन ऑन द स्टूडेंट स्टिल वी गिव होमवर्क टू स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट गिव होमवर्क, हेल्प टू इंडिपेंडेंट स्टडी, हेल्प यूटिलाइज एक्स्ट्रा टाइम, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंसैप्ट बैटर, ऑल ऑफ द अबव। आप होमवर्क इसलिए दिना कि उस दे बच्चे दे कंसैप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए जी, वो यूटिलाइज कर ले और इंडिपेंडेंटली यानी कि अपने आप करन दी कोशिश करे। तो ये जी अपने लवे क्वेश्चन नंबर 120 जे जो जी लास्ट क्वेश्चन थी मैथमैटिकल पोर्शन का जी, तो इस दे नाल ही अपने क्वेश्चन जेडे मैथमैटिकल पोर्शन ने कंप्लीट होंगे ने जी। थैंक यू।